मित्रों नमस्कार। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच से इस समय हम मुक्तेश्वर में हैं। आपका हमारे चैनल भारत दर्शन वीडीपी में हार्दिक स्वागत है। अब हम इस ब्लॉग में आपको हम दिखाएंगे कि मुक्तेश्वर में हमारी रात कैसे बीत रही है, शाम को हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमारे मित्र लोग बैठे हुए सभी लोग ये ब्लोअर को जला रखे हैं हमारे मित्र लोग, और उसका आनंद ले रहे हैं। पांडे जी मोबाइल चला रहे हैं, विवेक जी बहुत शांति से बैठे हैं। अभी हमने ट्रैकिंग करवा के कुलाया भी है, और आपने देखा है पिछले वीडियो में कि ये चलने में थोड़ा सा जो है पीछे थे। विनीत जी बहुत तेजी से चल रहे थे, पांडे जी तो बिल्कुल चल ही नहीं पाए, और इसीलिए देखिए वो सुस्त भी लग रहे हैं। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। पांडे जी हेलो। हाँ नीरज जी बिल्कुल सुस्त से हैं, लेकिन हमें मजा आया अभी। और दूसरा बताएं कि अभी हम लोग शाम की चाय भी पिए यहाँ पे, मैगी फिर से खाई। और जो नीरज जी हैं, नीरज जी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, और वो उनके फैमिली मेंबर्स मिल करके ही इस होमस्टे को चलाते हैं। और अभी हमने देखा कि वो जो है जो लकड़ी का चूल्हा होता है उस पे खाना पक रहा है, तो हम लोग उसी का आनंद उठाएंगे। और अभी बाहर जो आग जलेगी उसका भी हम लोग पूरा आनंद उठाएंगे। और टेम्परेचर यहाँ पे लगभग 1 डिग्री करीब पहुंच चुका है, क्यों पांडे जी? जी जी 1 डिग्री पहुंच चुका है, और लगभग हर 1 घंटे आधे घंटे के बाद 1-1 डिग्री कम होता जाएगा, और फाइनली -5 तक जाता है यहाँ पे टेम्परेचर अभी इस समय। और आगे आने वाले समय में टेम्परेचर ये और डाउन होगा, और स्नोफॉल होने की उम्मीद आगे कुछ समय बाद है, अभी तो नहीं लग रहा है। फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, हम लोग को काफी मजा आया है यहाँ पर। अब हम आपको आगे और दिखाते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा सा दृश्य दिखाते हैं आपको बाहर का। आइए चलते हैं। इस ठंड भरी रात में पहाड़ों की खामोशी को आप बिल्कुल महसूस कर रहे होंगे। हम लोग बिल्कुल रूम से बाहर निकले हैं और बिल्कुल शांति का माहौल है। एक गाड़ी बहुत पीछे जा रही है, वो मेन रोड है, उसी के ऊपर वो आपको वो दिखे जा रही है, और बाकी सब सन्नाटा है। कहीं कुछ दूर दूर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। हम लोग अब आगे चल रहे हैं, चलिए डॉक्टर साहब आगे चलिए, चलते हैं। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आवाज़ नहीं निकल रही, समझ लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त ठंड है। लोग डिनर के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और विवेक जी ने तो देखिए सलाद पहले से निकाल के रखी हुई है, और इसमें क्या है यार दिखाओ भाई। दाल है, दाल के साथ में ये भी दाल है, और ये सब्जी, साथ में चपातियां हैं उसमें, और ये है राइस। कुल मिला करके खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ खुशबू आ रही है अच्छी। और विनीत जी और विवेक जी दोनों लोग सर्व कर रहे हैं। पांडे जी बैठिए। हाँ सर्विस दो भैया, हाँ आराम से लगाइए और खाइए। हम इसको अभी खाने के बाद आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? तब तक विनीत जी सर्व कर रहे हैं। ओके 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 सर, आप अभी टेस्ट लेके बताइएगा, ठीक है? विवेक जी रोटियां सर्व कर रहे हैं, और नीरज जी का भोजन बहुत टेस्टी है। महाराज आप भी कुछ बताइए, कैसा लग रहा है आपको? लीजिए सर। एक ही चीज़, महाराज जी खाने में बिल्कुल कंसंट्रेट किए हैं, और बहुत ही सही और बहुत ही संतुलित भोजन है इनका, खाने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। घर जैसी रोटियां। बिल्कुल बिल्कुल सर, जरा से पता भी नहीं चल रहा क्यों। भोजन करने के बाद हम लोग आ चुके हैं, और विवेक जी के रूम में आए हैं, और ये यहाँ पर ब्लोअर का आनंद ले रहे हैं। टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री पहुंच रहा है, अभी कुछ ही समय में माइनस पहुंच जाएगा, और -5 तक पहुंचेगा। और जो हमारे ये प्रॉपर्टी के ओनर हैं नीरज जी, वो बाहर आग जला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा था खाना खाने के बाद हम आग को तापेंगे, तो बस अभी कुछ ही समय में पहुंचेंगे वहां पर और पूरा आग का आनंद लेंगे। और विनीत जी तो हमको लग रहा है वो शायद कुछ कपड़े चेंज कर रहे हैं अपने, तो फिलहाल वो सोच रहे थे कि उनका फोटो कहीं ना आ जाए, इसीलिए वो इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। और देखिए यहाँ टेम्परेचर की बात कर रहे थे, वहाँ ये ऑयल था और ये जम सा गया था, तो अभी जब इसके सामने रखें देखिए थोड़ा सा ऊपर जो है ये अभी पिघला है इतना सा, बाकी अभी नीचे जमा हुआ। आप इसको यूज करिए। तो फिलहाल हम यहाँ ब्लोअर का आनंद उठाते हैं और फिर चलते हैं बाहर। इस समय देखिए विनीत जी ने कपड़े चेंज किए, उसके बाद में ये रजाई को सेट कर रहे हैं। एक नीचे रजाई है और 2 ब्लैंकेट है, और दोनों को बहुत अच्छे से ये सेट कर रहे हैं। आज रात ठंडक में बिल्कुल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और नींद में जरा से भी खलल ना पड़े,
इसलिए ये दोनों लोग बढ़िया मस्ती से दो कंबल एक रजाई के साथ में मुक्तेश्वर की रात में आनंद उठाएंगे। और नीरज जी हमारे रूम में तो बिल्कुल वो पड़ से चुके हैं और वो लेट चुके हैं, हम लोग बस अभी बाहर चल रहे हैं, थोड़ा सा और मौज मस्ती करेंगे, फिर सोना तो है ही, रात अपनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठंडक बहुत ज़्यादा है, हम लोग अब चल रहे हैं बाहर आग को सेकने के लिए। तो चूंकि टेम्परेचर माइनस में लगभग पहुँच चुका है और डॉक्टर साहब उम्र का तकाजा भी है थोड़ा सा, चलिए आप। अब जब लोगों के पास वो मतलब पैसा ही नहीं है तो फीस हाँ, फिर फीस कहाँ से दे पाएंगे ना, मान लिया कोई यहाँ पे खोलता भी है प्राइवेट स्कूल तो इतनी लोग फीस नहीं दे पाएंगे, 5,000 रुपये महीने की फीस कौन दे पाएगा, जब इनकम ही 5,000 नहीं है तो कहाँ से दे पाएंगे। सही है, तो ये थोड़ा टफ है यहाँ पे। और बाकी कोई एक्चुअली गवर्नमेंट सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता इधर, जैसे बोलते हैं ना कि यार किसानों को ऐसा लाभ मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार तो ये होता है जैसे मान लिया फ्लोरिंग का टाइम होता है पेड़ों में, जब फल वाले जो पौधे होते हैं वैसे फ्लोरिंग का टाइम होता है और पता लग कि ओले गिर गए सारा नुकसान। तो कई बार ऐसा रहता है इंश्योरेंस रहता है फलों का, तो इंश्योरेंस से क्लेम मिल जाता है, बट जो रियली जो नीडी पर्सन है उसको नहीं मिलता। जो बड़े पैसे वाले बिल्डर है ना, जिन्होंने बड़े बड़े ऑर्चर्ड बना रखे हैं, उनकी सेटिंग रहती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इन लोगों को तो मिल जाता है, ये अपना सेंक्शन करवा लेते हैं। गरीब आदमी है, उसकी कहीं पूछ ही नहीं है बेचारे, उसकी स्थिति हर जगह वही है। इसलिए हमारा भी ऐसे हुआ था, हमने लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कराया था, क्रॉप इंश्योरेंस होता है पोटैटोज का, 12,000 का कराया, तो उसमें हमें मिले थे 45,000 कुछ मिले थे नेक्स्ट ईयर। अच्छा, फिर लास्ट ईयर क्या हुआ, पापा ने हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं और यहाँ जो नीरज जी हैं इन्होंने आग को बढ़िया अच्छा सा जला रखा है, अभी जलता हुआ हमने आपको दिखाया भी था, तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आग को ताप रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा हम लोग को लग रहा है बिल्कुल एडवेंचरस है, लेकिन यहाँ जो पहाड़ी लोग हैं इनकी जीवन शैली बहुत ही कठिन होती है, कठिन परिस्थितियों में ये लोग रहते हैं और अपने जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। अभी नीरज जी ने हमें बताया, अभी बहुत सारी बातें बताई, सारी बात तो हम आपको बता भी नहीं सकते, लेकिन संघर्ष रहता है। और जो हम लोग हैं मैदानी भागों के लोग हैं वो एडवेंचर ढूंढने के लिए आते हैं, कुछ नया पाने के लिए आते हैं। अब तो आज के समय में सभी लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं और हम लोग भी उन्हीं में हैं, अपने गाँव को छोड़कर शहर में आ गए हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। अब अलाव घर में कहाँ जलता है, अब तो हीटर जलाना ब्लोअर जलाना यही सब होता है, और जहाँ पे ये मिल जाता है तो फिर उसका आनंद ही अलग है। फिलहाल हम लोग पूरा आनंद ले रहे हैं बराबर। नीरज जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, हम तो आपकी सेवा में तत्पर हैं। जी जी, नीरज ने बहुत अच्छी हम लोग की सेवा की है, और सेवा क्या, उन्होंने पूरा सब मस्त कर दिया और हम लोगों ने ओवर डाइट लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा खाना हाँ, खाना इतना बढ़िया था कि ज्यादा खाना हो गया आज। यहाँ का एक कल्चर ऐसी है ना, जैसे किसी घर में कोई आता है, कोई भी हो, मतलब आपके नॉन हो या अननोन हो, उसको एज ए जैसे बोलते हैं ना अतिथि देव, वो एक कंसेप्ट है यहाँ पे। जी जी, तो वही एक भगवान की तरह उसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, मेहमान को ना पूरा उसी की तरह ट्रीट किया। आप कहें शायद लोगो भी है उत्तराखंड का, शायद अतिथि देव भाव। जी जी, बहुत अच्छा। यहाँ अभी गांव में बचा है ये कल्चर, नहीं वैसे तो बाहर जाएंगे शहर में जहाँ थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, वहाँ तो चीजें गड़बड़ा जा रही है, गांव में कल्चर बचा ही है। सर आप यूपी में भी आए हाँ, तो वहाँ भी अभी गांव में कल्चर जो है वो गांव में ही है। अभी जैसे आप यहाँ से गए थे ना उस साइड में, तो हो सकता है आपको घर वाला आपको दिखाओ किसने हाय हेलो नमस्ते कुछ किया होगा ना, तो लोग आपसे ये जरूर पूछते सर बैठिए चाय पीजिए, हर घर में पूछेंगे आपसे। अच्छा अच्छा, आपको जाने ना जाने, आप जैसे जा रहे होंगे मतलब कोई घर वाला दिखेगा तो आपने अगर नमस्ते कर दिया वो भी नमस्ते सर बैठिए आइए चाय पीजिए, इतना जरूर पूछेंगे वो। और मान लिया आप बैठ गए तो चाय तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे आपको। हाँ, तो हम लोग अभी गए हुए थे, मिले भी एक दो लोग, अच्छा लगा उनसे बात करके, और ऊपर भी एक दो लोग बता रहे थे कि होम स्टे हम बना रहे हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, कम से कम पहाड़ों से पलायन रुकता है, और जो जितने भी पर्यटक हैं अगर पहाड़ों पे आप घूमने आ रहे हैं तो होटल के बजाय आप होम स्टे को प्रेफरेंस दें, इससे इन लोगों की मदद भी हो जाती है और एक आपको अच्छी लाइफ जीने को मिलता है। आप शहर से शोर शराबे से थोड़ा सा दूर रहते हैं और आपको मजा भी आएगा, होम स्टे में जरूर रुकिए, ये मेरा अपना व्यक्तिगत निवेदन है आप सभी से। फिलहाल आप हमारे वीडियो में बने रहिए, हम आपको मुक्तेश्वर की पल पल की जानकारी देंगे, और आप हमारे पिछले वीडियो में देखे भी होंगे, विनीत जी कह रहे हैं लाइक का बटन आप जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट में जय मुक्तेश्वर धाम, क्योंकि मुक्तेश्वर को हम धाम ही बोलेंगे, यहाँ पे
भोले बाबा का स्थान है, वो हम कल चलेंगे वहाँ पर। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अभी आगे। आग को तापने के बाद हम आ चुके हैं और बाहर बहुत ही ज़बरदस्त ठंड है, अभी भाप तो निकल नहीं रही, हम तो ऐसे ही चेक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब भी रूम में आके पहले से सब सेट कर चुके हैं और देखिए ये हवा जो ठंडी आ रही है इसलिए कह रहे हैं जल्दी आओ अंदर। तो अब हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि, और मिलेंगे सुबह। मिलेंगे, ओके सुबह मिलेंगे। और हमने अभी नीरज से पूछ लिया है कि सुबह आप ब्रेकफास्ट में क्या देंगे। क्या देंगे? तो ब्रेकफास्ट में उन्होंने कहा है कि हम पराठा देंगे। ठीक है, अब ये तो कंफर्म किया नहीं कि कौन सा पराठा देंगे। पराठा देंगे, हो सकता है सब्जी के साथ है या आलू पराठा दें, जो भी देंगे उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। तो मॉर्निंग में पहली टी कितने बजे मिल जाएगी? तो वो आप जब भी बताएंगे तो टी मिल जाएगी, टी की कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि गीजर में अगर पानी गर्म होने में लेट होगा तो हम मैनुअली अरेंज कर देंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।